आप सबका देवप्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, देवप्रयाग उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ का बहुत ही पवित्र पावन स्थान है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दो पवित्र नदियाँ एक मिलकर गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। और सही तरीके से देखा जाए तो गंगा नदी का उद्भव यहीं से होता है। और कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में भगवान श्री रामचंद्र जी और दशरथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, और एक ऋषि भी थे जिन्होंने यहाँ पर खूब तपस्या किया, जिनके नाम से इस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और मेरे सामने से जो कलकल स्वरें बहती हुई आ रही है, पवित्र पावन वह अलकनंदा नदी है। और ये मेरे बगल में जो दिखाई दे रही है, बाईं ओर जो दिखाई दे रही है, और वह है भागीरथी नदी। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर यहाँ पर एक हो गई है, और यह स्थान है पवित्र पावन देवप्रयाग। देख रहे हैं, सूर्यदेव आसमान में उदित हो चुके हैं। सामने हिमालय पर्वत अपनी सुंदरता के साथ हमको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और देवप्रयाग में सामने अलकनंदा के अगल बगल बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर एक पुल भी बना हुआ है। और इधर भागीरथी नदी के तरफ भी एक तरफ बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, और दूसरे तरफ यह सड़क दिखाई दे रही है। और हमारे साथ ये सभी श्रद्धालु आए हुए हैं, जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, हमारे साथ ये सारे श्रद्धालु इस पवित्र संगम को देखने के लिए, निहारने के लिए आए हुए हैं। तो इस बहुत ही पावन सुहावन पवित्र स्थान से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कहा जाता है यह देवप्रयाग एक ऐसा स्थान है जिसका आश्चर्य ये है कि कहा जाता है कि यहाँ कौवे नहीं पाए जाते हैं। देवप्रयाग के बारे में ऐसा कहा जाता है, इस पावन संगम पर जो भी स्नान करता है उनका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी इस देवप्रयाग के पावन संगम में, अलकनंदा और भागीरथी के पावन संगम में उन्होंने स्नान किया था। और यहाँ पर भगवान शंकर के मंदिर हैं, यहाँ पर और कई पवित्र मंदिर बने हुए हैं। गंगा नदी के किनारे किनारे देख लीजिए, गंगा नदी यहीं पर बहुत ही तीव्र वेग के साथ अपनी पवित्र धाराओं के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है। इनके दोनों तरफ हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, और बीच में मैया गंगा प्रवाहित हो रही है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस देवप्रयाग में हम पावन सुहावन संगम को निहार रहे हैं। यह देवप्रयाग ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानियों की धरती है। भारतवर्ष को इस देवतुल्य देवप्रयाग पर बहुत ही गर्व है, बहुत ही देवप्रयाग आस्था और धर्म का स्थान है। यहाँ देश विदेश के सभी सैलानी आते हैं और इसकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। तो देखिए, सामने पावन पवित्र गंगा मैया प्रवाहित हो रही है, बहुत ही पावन जलधारा। हम नमन करते हैं गंगा मैया को। हमारे साथ हमारे वाहन चालक कुलदीप भैया भी सामने खड़े हुए हैं, और जो हमें चारों धाम की यात्रा कराए हैं, और उनके माध्यम से यहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं और पवित्र जलधारा को निहार रहे हैं। तो यही है अलकनंदा मैया और भागीरथी मैया का संगम स्थल देवप्रयाग, जहाँ से गंगा मैया का उद्गम हो रहा है, और पवित्र पावन धारा से पूरे भारतवर्ष को यह पवित्र करती है। तो ऐसी पावन गंगा मैया को सत सत नमन करते हैं। जय हो गंगे मैया।